कॉज सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमित सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, लखनऊ में सियासी माहौल क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि डिप्टी सीएम वहां के केशव प्रसाद मौर्य तक बयान दे रहे थे कि हिम्मत तो है ही नहीं चुनाव यहाँ लड़ने की, कोई यहाँ पे सामने है नहीं कैंडिडेट, इस तरीके की बातें होती रही। देखिए, केवल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम वो नेता, चाहे वो संगठन मंत्री धर्मपाल हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, ये सब लोग ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी में वो दम नहीं है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। लेकिन दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिखे। पिछले दिनों जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जरूर आएंगे अमेठी और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और यूपी कांग्रेस ने बकायदे इसके लिए रिक्वेस्ट भी रेज की हुई है। इसके अलावा अगर हम अमेठी और रायबरेली के नेताओं से बातचीत की तो ग्राउंड जीरो पर, मैं खुद अमेठी गया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर चाहे वो युवा कांग्रेस हो, चाहे वो बड़े नेता हो अमेठी और रायबरेली के, वो लोग भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि राहुल गांधी अमेठी जरूर आएंगे और यहाँ से वो चुनावी पटकनी एक बार स्मृति ईरानी को देने वाले हैं। और लगातार वहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, वो लगातार जब चुनावी कैंपेन हुआ कर रहे थे मैनिफेस्टो कांग्रेस के साथ, तो वो जाके डोर टू डोर ये कह रहे थे कि अनाउंसमेंट जल्द होगा और राहुल गांधी का अनाउंसमेंट होगा, जब मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग वहां से की थी। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल ही ये कहा कि राहुल गांधी बिना नाम लिए हुए कहा कि उनको ये दम नहीं है कि अमेठी और रायबरेली से आकर चुनाव लड़े, तो जाहिर तौर पर इसी तरीके का हमला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ किया जा रहा है। लेकिन आज 4 बजे जहां तक संभवतः सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी का नाम का ऐलान हो सकता है, और फिर कल जो नॉमिनेशन भरने का आखिरी तारीख है, कल राहुल गांधी नॉमिनेशन भर सकते हैं, जिस तरीके से कन्नौज लोकसभा सीट से हमने अखिलेश यादव को नॉमिनेशन भरते हुए देखा था। जी ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। अरुण मेरे साथ लगातार बने हुए। अरुण, 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके सोर्सेस के हवाले से ये तो कहना है कि राहुल गांधी ने चुनाव के लिए हामी भर दी है, लेकिन क्या अभी भी हम ये मान के चले कि शाम 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है शायद उसमें भी कुछ सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि अभी कांग्रेस नेता दीपक जब जुड़े थे तो उनका यही कहना था, तो क्या राहुल को हम ये मान के चले कि वो अमेठी ना सही रायबरेली चले जाए अगर प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ती है तो? देखिए, यही तो है, यही बात है कि अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की पूरी मांग है, अमेठी में उनके लोग पहुंच गए हैं, लेकिन रायबरेली को भी आप इनकार नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तराधिकार को लेकर के पार्टी के एक तबके का मानना है कि राहुल गांधी को वहीं से लड़ना चाहिए, रायबरेली से लड़ना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी 2004 से वहां की प्रतिनिधि रही और चूंकि अब वो सक्रिय राजनीति से एक तरह से दूर हो गई है, वो राज्यसभा चली गई है, तो उस सीट पर राहुल गांधी को दावा करना चाहिए। उसके पीछे तर्क ये भी था कि स्मृति ईरानी जिस तरह के बयान देती है और जिस तरह से वो आक्रामक तेवर अपनाती है, प्रियंका गांधी एक अच्छा विकल्प होगी वो वहां से लड़ने, लेकिन दोनों गांधी लड़े इस बात को लेकर राहुल गांधी को एक तरह से उनका रिजर्वेशन था कि परिवार में 3 लोग हैं और अगर तीनों लोग संसद में पहुंच जाते हैं तो परिवारवाद का जो आरोप लगता है उसको और बल मिलेगा। तो राहुल गांधी ये चाहते थे कि या तो वो लड़े या तो प्रियंका गांधी लड़े। प्रियंका गांधी को शुरुआत में इस बात के संकेत नहीं दिए गए कि प्रियंका गांधी को लड़ना, तो वो लगातार इनकार करती रही और कुछ लोगों ने पार्टी में राय दी थी कि प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी की तरह राज्यसभा में जाना चाहिए पहले संसदीय राजनीति में। इन सब किंतु परंतु के बीच राहुल गांधी ने खड़गे को साफ कर दिया कि आप मेरे नाम का फैसला कर दीजिए, मैं तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। और ये बात हम शुरू से कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि दोनों में से कोई नहीं लड़ेगा, पूरा उत्तर प्रदेश खाली चला जाएगा, लेकिन जो संकेत और संदेश मिल रहे थे, अगर देखिए, अगर गांधी परिवार के किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ना होता और अगर उन्होंने इनकार कर दिया होता, साफ मना कर दिया होता, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 15 सीटों पर नाम घोषित कर दिए कांग्रेस ने, 2 नाम अमेठी और रायबरेली के भी घोषित हो जाते और वो अब तक चुनाव प्रचार कर रहा होता। यही तो पेच फंसा था, क्योंकि पूरी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की कह रही थी कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो पूरे उत्तर भारत में संदेश गलत जाएगा। हाँ। पूरी कांग्रेस कह रही थी कि आपका परिवार, आपका घर अमेठी रायबरेली, उसको अगर आप यूं ही छोड़ देंगे। जी अरुण, मुझे अब आपसे ये पहलू समझना है, बीजेपी का हमने रायबरेली या फिर अमेठी को लेकर स्टैंड देख लिया है कि वो कितने हमलावर होते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि पारिवारिक सीटें, इसे हम किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मुझे आपसे ग्राउंड रिपोर्ट जानना है, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते आपने तमाम चुनावों को भी देखा है और अमेठी रायबरेली को बहुत करीब से जानते भी हैं, तो अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई लोग कांग्रेस पार्टी को ही चाहते हैं, गांधी परिवार को ही चाहते हैं अमेठी और रायबरेली को? देखिए रीमा, हमने क्या देखा और हमने क्या सुना, इससे ज्यादा जरूरी है देखना कि फैक्ट क्या है। फैक्ट अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर यह है कि आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, लगभग 95% चुनाव
कांग्रेस ने जीते हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीते हैं, और उस 95% में से 80% जो सदस्य रहे हैं वो गांधी परिवार के रहे हैं। अगर शीला कौल की भी बात करिए, वो भी नेहरू की रिश्तेदार थी। तो अगर आप बात शुरुआत से बात करिए, इंदिरा गांधी की बात करिए, राजीव गांधी की बात करिए, संजय गांधी की बात करिए, सोनिया गांधी की बात करिए, राहुल गांधी की बात करिए, इन सब ने अमेठी और रायबरेली को भी अपनी कर्मभूमि बनाई। देखिए पिछले चुनाव में राहुल गांधी हारे जरूर, राहुल गांधी से क्या शिकायत थी मैं आपको बता दूं जरा। राहुल गांधी से वहां के वोटरों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक ही शिकायत थी कि वो आते कम है, मिलते कम है। परेशानी राहुल गांधी की है कि वो राष्ट्रीय नेता है, उनको पूरे देश में कैंपेन करना है, उनको पूरे देश के लोगों को समझना है, फैसले लेने, बीच में अध्यक्ष भी बन गए थे वो, तो कभी उनको तमिलनाडु के भी फैसले लेने, उनको आंध्र प्रदेश के भी फैसले लेने, वहां क्या गठबंधन हो, वहां किसको टिकट दिया जाए, वहां किसके साथ आगे बढ़ना है, वहां पर पार्टी किस नेता को अध्यक्ष बनाना है, किसको विधानसभा लड़ाना है, किसको विधानसभा, अगर पार्टी सत्ता में आती किसको मुख्यमंत्री बनाना, बहुत सारे उनके पास काम थे। इस बीच वो अमेठी के लोगों से लगभग कट से गए थे। पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी भले न जा पाते हो लेकिन उनके लोग वहां रहते थे, मुश्किल में काम आते थे, लोगों के काम कराते थे, लेकिन जनता आजकल चाहती कि हमारा प्रतिनिधि हमारे पास रहे। इस मामले में अमेठी से मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं अनुपमा। अनुपमा मुझे अमेठी का मूड आपसे समझना है, क्योंकि अब ये बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई है कि राहुल गांधी वो चेहरा है, सोर्सेज के हवाले से कहना है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल रीमा, देखिए आपकी आवाज़ बहुत क्लियर मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो ये बहुत दिनों से सस्पेंस बना हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है नामांकन की आखिरी तारीख है, कल तक नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज शाम को राहुल गांधी का एक बार फिर से जो है उम्मीदवार के तौर पर अमेठी में, यानी कि स्मृति ईरानी के सामने चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि कई दिनों से बैठकों का दौर जारी था, लेकिन फिलहाल मैं अमेठी में मौजूद हूँ, और अमेठी की जो गाँव की जनता है वो क्या सोचती है, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि देखिये ये वो गाँव है जिसने एक बार ये सोचा था कि इस बार जो है हम चुनाव में जो है बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं लेंगे, इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन डीएम से इनकी बात हुई क्योंकि इन्होंने कहा कि यहाँ पर सड़कें नहीं है। सीधे सबसे पहले मैं लोगों से बात कर लेती हूँ, ये बताइए कहा जा रहा है कि आज शाम तक राहुल गांधी जो है वो उनके नाम का ऐलान हो सकता है अमेठी के लिए, क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में जो हमारे यहाँ से स्मृति ईरानी जी हैं वो यहाँ पर एकदम बेकार काम किए हैं। सड़क का जो मुद्दा बताती हैं कि सड़क हमारे यहाँ बहुत बनी है, सड़क जैसे हाईवेज हो गई, हाईवेज बनी है लेकिन उनको वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना, इसलिए बनी है। आप इस सड़क से भी जाएंगी यहाँ से अगर भोए तक तो आपको सड़क की कंडीशन एकदम खराब मिलेगी, सबसे मेन चीज। और इन्होंने जो काम, राहुल गांधी का नाम आ रहा है चुनाव के लिए, आप क्या कहेंगे? हम राहुल गांधी से बहुत खुश हैं, उनको यहाँ हमारे अमेठी से लड़ना चाहिए, और उनके लिए जनता बहुत, उनके लिए लोग बहुत उत्साहित है, काफी दिनों से उनका नाम नहीं। राहुल गांधी कभी आते हैं इस गांव में, आप लोगों ने देखा है? हाँ, राहुल गांधी को देखा नहीं है हमने, लेकिन हमारे पिताजी लोग बताते हैं उनका काम, उनका कार्य अच्छा हुआ था, वो देश के लिए काफी अच्छा काम किया है। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है अमेठी, और पहले भी जो है इस बात की संभावना थी कि गांधी परिवार से ही जो है कोई ना कोई अमेठी के चुनावी रण में उतरेगा। मेरे साथ और भी लोग मौजूद है, सर एक बार फिर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है आज शाम तक ऐलान किया जा सकता है उनके नाम का, क्या आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो हमारा पूरा गांव एक तरफ से राहुल गांधी जी को वोट देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, जब हम आज से 2014 में ही, उससे पहले एक बार राहुल गांधी आए थे तो एकदम गरीब से गरीब आदमी के घर बैठकर सूखी रोटी खाकर गए थे हमारे यहाँ इस गाँव की, तो हमको आज भी याद है वो इंसान जो कि गरीबों के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है काम करने के लिए, और उन्होंने उनकी पैदल यात्रा हमने देखी है, न्याय यात्रा देखी है, तो इतना सब कुछ करना, इतना संघर्ष, इतना अमीर आदमी अगर कर रहा है तो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए अमेठी की जनता जो है वो सीधे तौर पर ये बात कह रही है कि अगर राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो जाता है तो उनके लिए ही वोट जाएगा। देखिए सर कह रहे हैं कि उन्होंने सूखी रोटी खाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि ये तो कांग्रेस के शहजादे हैं। शहजादे नहीं, उनका ये घर है, उनका घर है, उनका घर है, उनको यहाँ आना ही चाहिए, चुनाव उन्हीं को लड़ना चाहिए यहाँ से। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा था कि हो सकता है कि शायद प्रियंका गांधी सीट पर चुनाव लड़े या कोई और जो है सीट पर चुनाव लड़े, चाहे वो लड़े चाहे प्रियंका गांधी लड़े, दोनों भाई बहन है। अच्छा, गांधी परिवार से कोई ना कोई होना चाहिए। कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, सर भैया थोड़ा सा आगे, ये बताइए क्या अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, शाम तक ऐलान हो जाता है गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़ता है तो आप लोग खुश होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका गांधी लड़े चाहे राहुल गांधी, वोट नहीं को जाएगा। लेकिन क्यों, वजह कोई काम किया है? महंगाई इतनी है, यानी कि आप लोग बीजेपी से जो है नाराज चल रहे हैं? एक पैसा का काम नहीं, बताओ 450 का सिलेंडर आज जो 1100 में मिल रहा है,
इतनी महंगाई है, लड़के बच्चे पढ़ेंगे क्या करेंगे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी बहुत नाराजगी इस गांव में साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन अगर शाम तक जो है राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो जाता है तो ये सब जो है बहुत खुश होंगे। मैं फिर लौटूंगी आपके पास। ओवर टू यू रीमा। अनुपमा, अमित और अरुण, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस बीच अमेठी पे हमारी लगातार नजर बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी जैसे ही अनाउंस करेगी हम दर्शकों तक ये बड़ी खबर पहुंचाएंगे।